हे दोस्तों, टफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की उन फिल्मों के बारे में जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। जी हाँ, उन फिल्मों के बारे में जो अपना बजट तक कवर नहीं कर पाई थी। कई बड़ी फिल्मों के बारे में आपने सुना होगा जो अपना बजट तक कवर नहीं कर पाती हैं। अक्षय कुमार की भी कई ऐसी बड़ी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर आते ही फ्लॉप हो गईं। बच्चन पांडे के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। बच्चन पांडे के अलावा भी कई ऐसी बड़ी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली और उन फिल्मों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम अक्षय कुमार की उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई हैं। हमने देखा उड़न खटोला। यू मीन यूएफओ राइट? जी एफओ, एक मतलब एक उड़ता फिरता ऑमलेट लग रहा। नंबर 5, एक्शन रिप्ले। टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट पर बनी ये फिल्म अपनी कहानी की वजह से मार खा गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म बैक टू द फ्यूचर से इंस्पायर्ड थी। जी हाँ, लेकिन फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये फिल्म बैक टू द फ्यूचर की स्पूफ है। हाला, क्या है? मरने जा रही हो? हाँ। कहाँ? चौपाटी पे। लेकिन माला, रात को चौपाटी का पानी ठंडा होता है ना, तुम कल दोपहर को चली जाओ 2:30 बजे, उस वक्त पानी गर्म होगा, आसानी से ऊपर निकल जाओगी, तकलीफ भी नहीं होगी ज्यादा। हाँ, फिल्म में ठीक ठाक कॉमेडी है लेकिन कहानी की वजह से फिल्म आते ही फ्लॉप हो गई। 2010 में रिलीज हुई फिल्म को 60 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने सिर्फ 48 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। जी हाँ, 2010 में इस फिल्म को करीब 12 करोड़ का नुकसान हुआ था। नंबर 4, जोकर। एक्शन रिप्ले की तरह ये फिल्म भी आम फिल्मों से काफी ज्यादा अलग थी। ये कोई एक्शन ड्रामा फिल्म नहीं थी बल्कि एक साईफाई फिल्म थी जिसकी कहानी एलियन के इर्द गिर्द बुनी गई है। जी हाँ, अब वो सही में एलियन रहते हैं या फिर कोई चाल रहता है वो आपको फिल्म में मालूम पड़ेगा, लेकिन कहानी को जिस तरह से पेश किया गया है उसे देखकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया था। साथ ही सीरीज कुंदर का डायरेक्शन भी काफी कमजोर था। 2010 में रिलीज हुई ये फिल्म साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक थी। फिल्म को 47 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ का ही कलेक्शन किया था, तो इस फिल्म को करीब 27 करोड़ का नुकसान हुआ था। नंबर 3, ब्लू। 2009 में रिलीज हुई फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया था। ये उस टाइम की सबसे महंगी फिल्म थी जिसे 100 करोड़ से भी ज्यादा बजट में बनाया गया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। फिल्म के एक्शन अच्छे थे, साथ ही जिस तरह से फिल्म को शूट किया गया था, खास करके वो अंडर वाटर वाला सीन, वो काफी अच्छा लगा था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। फिल्म देखने लायक है लेकिन उस टाइम ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। 110 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 75 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। जी हाँ, 2009 में इस फिल्म को 35 करोड़ का नुकसान हुआ था। नंबर 2, बच्चन पांडे। बच्चन पांडे फिल्म ठीक ठाक है लेकिन पता नहीं क्यों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। शायद द कश्मीर फाइल्स की वजह से। उस टाइम यानी कि मार्च में सिर्फ एक ही फिल्म का नाम चल रहा था और वो था द कश्मीर फाइल्स। अक्षय कुमार ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, ये फिल्म एक ऐसी वेव बन के आई जिसने हम सबको झंझोर कर दिया है। वो हर बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबा दिया। तो शायद एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये फिल्म कब आई, कब चली गई, पता ही नहीं चला। अगर फिल्म 1-2 हफ्ते बाद रिलीज होती तो फिल्म का कलेक्शन कुछ और होता, लेकिन द कश्मीर फाइल्स की आंधी ने इस फिल्म को पूरी तरह से गायब कर दिया। करीब 180 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 69 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। जी हाँ, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 111 करोड़ का नुकसान हुआ है। नंबर 1, बेल बॉटम। 2021 में रिलीज हुई ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। अक्षय कुमार की ये फिल्म एक ऐसे टाइम पर रिलीज हुई थी जब कई जगहों पर सिनेमा हॉल नहीं खुले थे, तो फिल्म के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण था लॉकडाउन। दूसरा बड़ा कारण था फिल्म की कहानी। इस फिल्म की कहानी भी कुछ खास नहीं थी, तो फिल्म फ्लॉप तो है लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को नुकसान हुआ है वो लॉकडाउन की वजह से हुआ था, नहीं तो फिल्म का कलेक्शन कुछ और होता। अगस्त 2021 में रिलीज हुई फिल्म को 170 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने सिर्फ 50 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। जी हाँ, ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है जिसे 120 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये ले पहुंच, वरना पिछवाड़े का वेलक्रो बन जाए। तो अक्षय कुमार की वो 5 बड़ी फिल्में हैं जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब देखना ये होगा कि टॉप 5 की लिस्ट में अगली फिल्म कौन सी होती है। वैसे इन 5 फिल्मों में से आपको किस फिल्म ने सबसे ज्यादा निराश किया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।